हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वीएस ब्रो एट द रेट ऑफ जूलॉजी। आज हम जीन के बारे में पढ़ेंगे, जीन के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीन क्या है, ये जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीन के बारे में डिटेल में बताएंगे। जीन क्या है, जीन एक डीएनए का एक सेगमेंट है, पार्ट है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है, होता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। सच प्रोटीन आर अगेन रेस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट और कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल और ओवरऑल द ऑर्गेनिजम्स। यहां पर जीन जो है, ये जीन इट इज हैविंग डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म्स, two or more than two alternate forms are present in a gene. Such forms are known as alleles or allelomorph. ये जो allele हैं, these are responsible for the transcription and translations of particular type of proteins, and these proteins express in the form of trait. That is the characteristics of the organisms. ये अलील जो कि डीएनए का एक पार्ट है, these are present at a particular locus of the chromosome. ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की पार्टिकुलर लोकस है, जैसे यहां पर एक लोकस है, तो यहां पर ये जीन दैट इज द अलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलील की डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स हैं। ये टाइप जो है, दिस आर डोमिनेंट, रिसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट, और एक और फॉर्म है दैट इज नोन एज द लिथल अलील्स। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अलील जो है, दीज आर प्रेजेंट ऑन ए पार्टिकुलर लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, और यहां पर ये अलील जो प्रेजेंट है, ये अलील एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म है। सपोज यहां पर अलील फॉर इन केस ऑफ पी प्लांट, टालनस के लिए जो जीन है, इसकी टू फॉर्म है, एक टाल फॉर्म है तो दूसरी ड्वार्फ फॉर्म है अलील की, और ये दोनों अलील एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है एट द सेम लोकस, जहां पर सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से एक सेम डिस्टेंस पर ये अलील है, उतने ही डिस्टेंस पर ये दूसरा अलील प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्रोमोसोम मैटरनल है या फिर पैटर्नल है, इसी तरह ये क्रोमोसोम मैटरनल है या पैटर्नल है, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनिज्म जो है 2n है, यानी यहां पर एक मैटरनल है एक पैटर्नल है। यहां पर इस लोकस पर ये जो जीन है, सॉरी अलील है, ये अलील एक ही जीन की दो फॉर्म है। ये अलील सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर टालनस के लिए, तो यहां भी टालनस के लिए हो सकता है। इसके अपोजिट यहां पर ड्वार्फनस का है, तो यहां भी ड्वार्फनस का हो सकता है। अगर ये सेम टाइप के अलील यहां पर प्रेजेंट है, देन सच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर ये दोनों अलील ड्वार्फनस के लिए यहां पर प्रेजेंट है, सच ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है, उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग अलील हैं, एक ही जीन के डिफरेंट अलील हैं, जीन एक है, अलील डिफरेंट है, देन सच ऑर्गेनिजम्स हैविंग सच टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप फॉर सच टाइप ऑफ पर्टिकुलर अलील्स इज नोन एज हेटरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर हम आपको बताएं, ये अलील जो है, इनकी डिफरेंट फॉर्म है, जो कि डिफरेंट वे से एक्सप्रेस करते हैं। इनमें कुछ अलील, यानी यहां पर जो पेयर में होंगे अलील्स, इनमें अलील जो है डोमिनेंसी शो करते हैं, यानी डोमिनेंट अलील होते हैं, या फिर वो रिसेसिव अलील होते हैं, ठीक है। वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करते हैं, या फिर वो अलील
को डोमिनेंट शो करते हैं। तो यहां पर जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील है इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहां पर दिखाएंगे आपको कि ये पी प्लांट है और इस पी प्लांट के अंदर ये होमोजाइगस पी प्लांट है जिसमें टालनस के लिए टी और ड्वार्फनस के लिए स्मॉल टी अलील है। तो ये होमोजाइगस पेरेंट है दिस वन होमोजाइगस फॉर टालनस के लिए जीन इसके अंदर ये प्योर टाल है ठीक है। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट अलील है, दोनों अलील यहां पर होमोजाइगस की फॉर्म में और डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेसेबल है, ये अलील एक्सप्रेस करते हैं और रेस्पॉन्सिबल है फॉर द टालनस। उसके बाद जो रिसेसिव अलील है, ये रिसेसिव अलील है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों सेम अलील है लेकिन ये एक्सप्रेसेबल नहीं है। और ये जहां पर होमोजाइगस इनको हम रिसेसिव अलील कहेंगे और ये रिसेसिव अलील जहां प्रेजेंट है जिस पी प्लांट के अंदर वो प्लांट क्या कैसा रहेगा, वो ड्वार्फ रहेगा। तो यहां पर पैरेट्स हम देख रहे हैं पी प्लांट्स, ये टाल है, दूसरा पी प्लांट्स ये ड्वार्फ है ठीक है। अब इसमें गैमेट फॉर्मेशन हुई, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों अलील जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं ठीक है। सेम इसी तरह से दूसरे प्लांट्स के अंदर ये भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। सपोज ये मेल गैमेट है तो ये फीमेल गैमेट है, या फिर ये फीमेल गैमेट है तो ये मेल गैमेट है। जब ये दोनों गैमेट्स, दोनों टाइप के गैमेट जो है, यहां गैमेट जो है दोनों के दोनों एक जैसे हैं, यहां दोनों गैमेट एक जैसे, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये अलग अलग जीनोटाइप, इनमें टालनस के लिए जीन है अलील है, इनमें ड्वार्फनस का अलील है, यानी यहां पर डोमिनेंट अलील है, यहां पर रिसेसिव अलील है। अब ये गैमेट्स फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो ओवम फर्टिलाइज होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों अलील अगेन रीयूनाइट एट द सेम लोकस इन दिस वे टालनस एंड ड्वार्फनस के लिए। तो ये जो जायगोट जो बना है और इस जायगोट की फर्दर डेवलपमेंट के बाद हम देखेंगे तो ये जायगोट जो है वो हाइब्रिड है, एक टालनस का अलील है दूसरा ड्वार्फनस का अलील है ठीक है। तो ये हाइब्रिड हो गया, लेकिन यहां पर ये जो डोमिनेंट अलील है ये एक्सप्रेस करेगा और टालनस वाला अलील है एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हाइब्रिड जो है वो टाल होगा ठीक है। तो F1 जनरेशन हमें जो मिलेगी वो हाइब्रिड होगी लेकिन टाल होगी, यहां पर ये डोमिनेंसी शो करता है और ये रिसेसिव अलील है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ये डोमिनेंट और रिसेसिव का केस हो गया, डोमिनेंसी एंड रिसेसिवनेस। उसके बाद हम केस लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट के हम जो केस ले रहे हैं वो है फोर ओक्लॉक प्लांट्स, इसके रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को हम देखें तो यहां पर ये जो अलील है रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि एक्सप्रेसिबल है रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। दूसरा है व्हाइट कलर के लिए जीन अलील है डब्लू डब्लू, ये भी एक्सप्रेसिबल है ठीक है, दोनों एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन जब ये इकट्ठे हैं, जब ये रेड के लिए अलील जो है ये मैटरनल और पैटर्नल दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, यानी यहां पर ये प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, होमोजाइगस ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में है ये। तो यहां पर दोनों अलील एक्सप्रेसिबल है और रेड कलर होगा, लेकिन रेड की बजाय यहां पर अलील व्हाइट है ठीक है, व्हाइट अलील है तो ये एक्सप्रेस होता है और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट कलर। यहां अब हम देखते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन है, ये मेल है ये फीमेल है, तो यहां पर मेल गैमेट्स बढ़ रहे हैं, ये फीमेल गैमेट बढ़ रहे हैं आफ्टर द सेग्रीगेशन ऑफ द अलील आर आर डब्लू और डब्लू। जब ये फर्टिलाइज होंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें से फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जो जाइगोट और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म जो मिलेगा न्यू प्लांट दैट इज द हाइब्रिड होगा, और इसमें एक अलील आर
रेड के लिए है, दूसरा अलील है डब्लू व्हाइट के लिए है, ठीक है। यहां पर डबल डोज है अलील की, ठीक है, आर की, जो रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल, यहां पर डब्लू डबल डोज है जो व्हाइटनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहां पर ये हाइब्रिड है और इस हाइब्रिड में आर की सिंगल डोज है और डब्लू जो है व्हाइटनेस के लिए इसकी भी सिंगल डोज है, यानी यहां पर आर जो है एक्सप्रेस होता है अपना पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए, ये प्रोडक्ट से प्रोड्यूस करता है, उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ व्हाइट कलर भी इसमें साथ ही साथ यहां पर प्रोड्यूस होता है, तो रेड एंड व्हाइट कलर जो है इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होने की वजह से यहां पर हमें जो ये हाइब्रिड कलर जो मिल रहा है वो पिंक मिलेगा, यानी इस हाइब्रिड प्लांट के अंदर कलर जो है फ्लावर का वो पिंक होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आर अलील एक्सप्रेस हुआ, लेकिन उस पॉइंट ऑफ वे से यानी उस हद तक ये एक्सप्रेस नहीं हुआ जितना इसको होना चाहिए, ठीक है। और व्हाइट कलर के लिए ये अलील एक्सप्रेस हुआ तो इसका एक्सप्रेशन जो है थोड़ा सा रुक गया, यानी कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हुआ यहां पर। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी ऑफ द आर अलील। इसी तरह से ये भी व्हाइट है, ये कंप्लीट व्हाइट नहीं बन पाया, ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन भी नहीं कंप्लीट नहीं हो पाया, तो व्हाइट कलर नहीं बना, और बन गया कौन सा कलर, रेड और व्हाइट दोनों मिक्स होने के बाद दैट इज द पिंक कलर। ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम बात करते हैं कोडोमिनेंट। यहां पर अलील जो होते हैं वो दोनों अलील एक्सप्रेसिबल हैं और इंडिविजुअली और विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच अदर। यहां पर एग्जांपल हमने लिया है ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप का ये ह्यूमन बीइंग दिस वन, ये पेरेंटल जीनोटाइप है जो कि ये होमोजाइगस है फॉर ए ग्रुप के लिए, ये होमोजाइगस है फॉर बी ग्रुप के लिए, IA, IB और IB। यहां पर अलील जो ए एंटीजन के लिए एक्सप्रेसिबल है, यहां पर अलील बी है वो बी एंटीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इनमें से एक मेल है, फीमेल है, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट फॉर्मेशन में IA और IA यानी जो अलील है वो सेग्रीगेट हो गए, यहां पर अलील है इसमें सेग्रीगेट हो गए, और यहां पर एग और स्पर्म है फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू हमें ऑफस्प्रिंग मिल रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, IA और IB यानी AB ब्लड ग्रुप है। यहां पर जो एंटीजन ए के लिए जो अलील है वो कंप्लीट एक्सप्रेस करता है, इसी तरह बी एंटीजन के लिए अलील बी है वो कंप्लीट एक्सप्रेस करता है, यानी यहां पर इस हाइब्रिड दैट इज द ए बी ओ ब्लड ग्रुप में दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये था ब्लड ग्रुप का एग्जांपल, ए बी ओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल, जिसमें अलील ए एंड अलील बी बोथ अलील्स आर कोडोमिनेंट। तो ये था जीन एक्सप्रेशन। इसी तरह के हम आपके लिए और भी एग्जांपल लेकर आएंगे जिसमें मेंडल के डिफरेंट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।